हिमाचल प्रदेश में मानसून के जल्द पहुंचने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अपडेट के अनुसार 28 जून से 1 जुलाई तक प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश के कई जिलों में 28 व 29 जून के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्या कहना है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार का, सुनिए विस्तार से। तो जो प्रदेश के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, किन्नौर है, तो इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। फिर 28 तारीख से जो ये बारिश की जो एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली पिकअप करेगी और इसके चलते 28 तारीख से प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो हाई रिचेज भी हैं वहाँ पे भी देखिए हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और ये जो स्पेल जो 28 तारीख से ग्रेजुअली पिकअप करेगा ये 28, 29, 30 और 1 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अलर्ट्स की बात करें, देखिए आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया है जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर हैं। फिर 28 तारीख से जो एक्टिविटी जो मतलब जो अभी मानसून के कारण जो शुरू होगी 28 तारीख को, इसके चलते 28 और 29 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है, मंडी है, चंबा, कांगड़ा है, तो इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों में भारी बारिश भी हो सकती है और इसके चलते फिर 28-29 तारीख को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मतलब प्रदेश के अधिकांश स्थानों में 28 तारीख से लेकर और 1 जुलाई तक मतलब बारिश होने की संभावना है। देखिए पिछले कल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन के आसपास जो मतलब आफ्टरनून के समय में ना काफ़ी इंटेंस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी मतलब रिपोर्ट की गई थी और इसी दौरान जो हाईएस्ट जो बारिश आई थी वो कसौली में आई थी, जो हमारे रिपोर्टिंग स्टेशन है, वो 58 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई थी जो कि हैवी रेनफॉल के आसपास जरूर है। तो इसी दौरान मतलब वहाँ पे हैवी रेनफॉल जो एरिया है जो सोलन में है, तो वहाँ कल भी 24 घंटों में हैवी रेनफॉल जरूर हुई है वहाँ पे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।